तो फिल्मी टॉस के एक नए एपिसोड के अंदर आज तुमका स्वागत है। तो अब राजगगन की सबसे पहली और बड़ी अपडेट यह है कि प्रभास और डायरेक्टर हन्नू राघवापुड़ी की जो आने वाली फिल्म है वो एक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि आर्मी बैकड्रॉप के साथ आएगी। जी ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभास इस फिल्म में एक ब्रिटिश सोल्जर का रोल प्ले करेंगे। वैसे अभी के लिए इस फिल्म का टाइटल तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि इस फिल्म का टाइटल फौजी हो सकता है। वहीं अपने तो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। जी हाँ, वैसे मैंने ट्रेलर देखा है, मुझे ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा। वैसे इस बार स्त्री 2 में एक सर्कट आदमी का आतंक दिखाया जाएगा और बहुत सारी कॉमेडी भी होगी। वैसे ओवरऑल ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा। स्त्री 2 वैसे रिलीज होगी 15 अगस्त को। वैसे कि आप भी मेरी तरह इसके लिए एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वहीं अपने तो अगली अपडेट है अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा 2 से। तो भी इसकी शूटिंग को रोक दिया गया है पूरे एक महीने के लिए। जी वैसे इसके रिलेटेड कुछ लोगों का कहना है कि अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार में कुछ अनबन होने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं। पुष्पा 2 की सारी टीम एक महीने का ब्रेक ले रही है और उसके बाद जो बची हुई शूटिंग होगी उसे एक डेढ़ महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहीं अपने तो अगली अपडेट है शाहरुख खान की आने वाली फिल्म द किंग से। तो उसके एक मेजर रोल के लिए साउथ एक्टर अर्जुन दास से बात हो रही है। जी और अगर ये हाँ कर देते हैं तो ये द किंग फिल्म में एक मेजर रोल में नजर आएंगे। वैसे ये रोल हो सकता है कि विलन का हो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इसमें एक से ज्यादा विलन होंगे। एक तो ऑलरेडी कंफर्म है अभिषेक बच्चन और अब इनको भी अप्रोच किया जा रहा है। इन सबके ऊपर आगे बढ़े तो अगली अपडेट है कलगी 2898 AD की OTT रिलीज डेट के लेट है। तो पहले जहाँ पर ये फिल्म 8 हफ्तों के बाद OTT पर आने वाली थी, वही फिल्म अब 10 हफ्तों के बाद OTT पर आएगी। जी जहाँ पर इसका हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर आएगा, वहीं इस फिल्म के बाकी के वर्जन प्राइम वीडियो के ऊपर आएंगे। वहीं पर आ जाते हैं आज के दिन की आखिरी अपडेट पर, जहाँ पर आज के दिन की आखिरी अपडेट यह है कि नेचुरल स्टार नानी की आने वाली फिल्म जो कि उनकी 133वीं फिल्म है उसमें जानवी कपूर को साइन किया गया है। जहाँ पहले जूनियर इंटायर के साथ देवरा, फिर रामचरण के साथ आशीष 16 और अब नानी की आने वाली फिल्म में भी जानवी कपूर नजर आएंगी। वैसे इसके बाद अब जानवी कपूर की 3 बड़ी तेलुगु फिल्में आने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।